उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। ऐसे में सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की खबरों के बीच एक पोस्टर सामने आया है। वाराणसी में जगह जगह लगे इन पोस्टरों पर राहुल गांधी को कृष्ण और अखिलेश यादव को अर्जुन के अवतार में दिखाया गया है। इसमें एक तरफ सपा का सिंबल साइकिल भी बना हुआ है। पोस्टर के सबसे ऊपर विकास से विजय की ओर चले दो महारथी लिखा हुआ है। वैसे यूपी में पोस्टर वार की शुरुआत बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही की थी, जब केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और काशी में विवादित पोस्टर लगाया गया था जिसमें केशव प्रसाद मौर्य को श्री कृष्ण की भूमिका में दिखाया गया था और विपक्षी राजनेताओं को यूपी का चीरहरण करते प्रदर्शित किया गया था। वहीं उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर हो चुकी कांग्रेस अखिलेश के सहारे यूपी में दोबारा सत्ता पाना चाहती है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के हाथों में पार्टी की कमान आने के बाद से ही कांग्रेस सपा के गठबंधन की खबरें तेजी पर हैं। अखिलेश जल्द ही गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि वाराणसी में लगाए गए इन पोस्टरों को लेकर जिलाधिकारी ने पोस्टर लगवाने वाले एसपी नेता के खिलाफ आचार संहिता का मुकदमा दर्ज करवा दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक बार फिर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। वैसे यूपी विधानसभा 2017 के पहले राजनीतिक दलों के समर्थकों की तरफ से ऐसे और विवादित पोस्टर तो अब देखने को मिलते ही रहेंगे। वैसे ऐसे पोस्टरों की शुरुआत बीजेपी की ओर से ही की गई थी। देखते रहिए डीबी लाइव।